नहीं तो जो बचेगा उसको दो दो प्लेट देना पड़ेगा। अच्छा, मैं भाषण करके आपको बोर नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी मेरे भाषण सुन लिया है। बहुत कम ऐसी मौका मिलता है कि खुद के भाषण सुन लूं, तो कभी कभी ऐसे लग रहा था कि मैंने क्या बोल दिया। देखो, मैं कभी भी जब से यूनियन के अंदर हूँ, मैं कभी, मेरे पास कोई कागज़ नहीं रहता, मैं कोई किताब में कुछ लिखते नहीं है। मैं जब बचपन में स्कूल में भी था तब बिल्कुल कम किताब खोल के पढ़ते थे। माता जी को याद आता कि वो दौड़ दौड़ा के मारती थी, किताब क्यों नहीं खोलते, पढ़ते क्यों नहीं है। लेकिन अभी इतनी पढ़ता हूँ, मतलब जो लोग कोई चार्जशीट ला के दिए, कोई पेपर ला के दिए, 12-12, 15-15 पन्ने ला के देता है, तो कम से कम किसी से बात करने के लिए कम से कम सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा, नीचे कंक्लूशन क्या है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि बचपन में अगर इतनी पढ़ा होता तो कुछ अलग ही हो जाते। लेकिन मैं, मेरा जहाँ हूँ मैं उसमें खुश हूँ। मैं सच आपको बताता हूँ, कभी कभी पूछता कि बहुत सारे लोग कहते कि हिंदू धर्म, हम लोग सर्वधर्म स्वभाव के लोग हैं, सबको मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदू धर्म के लोग ऐसे मानते हैं कि अच्छा काम किया तो स्वर्ग में जाएगा, है ना, खराब रहेगा तो नरक में जाएगा, और 7 जन्म है कि नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलता है कि बोलता है। कुछ लोग मरने के समय आएगा तो फिर जब करते बैठता, क्योंकि स्वर्ग में जाना फिर अलग, दूसरा वाला जो जन्म है उसमें अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना है, बहुत खूब जपता है, कुछ होने वाला नहीं, उसको मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे करते हैं, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं। जो भी काम करना है तो अपनी धरती के अंदर रह के सही ढंग से काम करना है, तो जो स्वर्ग नरक सब यही है, मतलब इसके बाहर कुछ हो कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको कहता हूँ। और मैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ कहा, मेरा काम है करते रहना, मेरा अपना नशा अपने पैशन है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्ट करते हुए कुछ करते नहीं है। अभी मैं देखा समय 9:30 बज रहा है, बहुत सारे लोगों को शायद घर जाना होगा, किसी को गाड़ी पकड़ना होगा, कोई बीमार व्यक्ति भी हमारे बीच में हो सकता है, शायद उसको गोली खाना होगा, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, अलग अलग चीज़। तो अभी 9:30 बज गया, तो लोगों ने सोचा कि अभी स्टेज पे भी बहुत सारे लोग बैठे, उनको भी अपना इच्छा हो सकता है, सबके सामने 2 मिनट हमको भी बात करना है। अभी मैं बीच में आ गया तो उनको भी बात करने को मिलते नहीं है, भले चेहरे में खुशी होने के बाद भी दिल में सोचेगा साला इनके चक्कर में हमको भी 2 मिनट बोलने को मिलते नहीं, ये स्वाभाविक है, मतलब उसमें कोई नाराज होने का कोई सवाल नहीं। और जो नीचे बैठे हुए लोगों भी सोच, वो ये सोचता होगा कि जब रानी साहब का अधिवेशन होगा, जब सेकेंड रिपोर्ट होगा, जो 2 मिनट हम भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन कभी क्या है समय के हिसाब से देखते हुए, तो मैंने बोला कि मैं बोल दूंगा तो कम से कम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, कम से कम 10 मिनट 10 बजे तक खत्म हो जाए कॉमेंट। कोई ऐसी कोई अच्छी चीज़ बोल दो, जोर से बोलो तो हम भी हंस सकते हैं, हम भी सुन सकता है, कोई बात करेगा, आपस में बात करेगा, ऐसा लगता है कि एक तो बात पसंद नहीं है, नहीं तो फिर आपके तरफ आकर्षित कराने के लिए आप नए चीज़ जमा किए, वो अच्छी बात नहीं है, है ना। हम लोग सब भारतीय रेल के अंदर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जब खुद ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई काम बनने वाला नहीं। जैसा अभी कंबाइन बोलते बोलते कह रहा था कि मुंबई डिवीजन के अंदर स्पैड करके भी लोग काम कर रहा है, उन्होंने बोला कि इगतपुरी का ब्रेथन लेसर में क्या है मुझे पता नहीं, क्या उधर ब्रेथन लेसर नहीं है, सॉफ्ट वाला है क्या, छोटी मशीन है वो। तो मैं सोचा कि इगतपुरी में ब्रेथन लेसर नहीं है क्या, तो बोलता सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा बहुत लेगा तो आवाज नहीं आता। क्या ढूंढता है सेकेंडरी साहब भी, सेकेंडरी साहब भी चाहता है कि वहाँ वाला आई तो इधर ले आओ, तो उसके इंडायरेक्टली अर्थ है निकलता, वहाँ थोड़ा सा लेके भी लोग फूकता होगा लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा क्योंकि खराब आइटम लगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी, मैं रनिंग रूम भी देख लिया, अभी नया रनिंग रूम, मेरा आदत है मैं जहाँ कहीं भी जाएगा तो रनिंग रूम देख लेता हूँ। मैं कंट्रोल ऑफिस नहीं देखा था रिनोवेट करने के बाद, उसको देख लिए, मैं सेंट्रल कैबिन को देख लिया, सेंट्रल कैबिन मुझे नहीं लगता कि कोई आज तक गया होगा उधर, अभी नया भी बनने वाला। मैं जहाँ कहीं, मुझे कॉलोनी जरा विजिट करना था, टाइम नहीं मिलता,
कल मनमाड़, अभी रात को गाड़ी पकड़े, 3 बजे पहुंचे, कल मनमाड़ के अंदर पूरी कॉलोनी विजिट करना है, तो फिर वो 4 लोगों के घर में भी जाना है, खत्म करेगा मुझे लगता है। फिर एक को 21 तारीख के एनपीएस के विरोध में पूरी देश भर में सब जगह में विरोध प्रदर्शन करने का एक आह्वान किया है। भुसावल में भी कल शायद पीओएच में करने वाला अध्यक्ष जी उसको नेतृत्व करने वाला है। तो मैं मनमाड़ के अंदर में भी शाम को एक कार्यक्रम लगाया, सारे के सारे लोगों को लेके, उनको बोला कि कम से कम 500 लोग चाहिए जो एनपीएस के विरोध में जो कार्यक्रम है मनमाड़ के अंदर उसको अटेंड करना है। उसके बाद में 2 शाखा का अधिवेशन अटेंड करते हुए बाहर रोड निकल जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है रात को, तो 12-1 बजे तक पहुंचेगा। तो लगातार एक काम तो चलता रहेगा, काम तो कोई ना तो कोई काम करेगा, तो तब इसमें मजा है। और मैं रात को कभी नींद नहीं आता, मैं अपने बारे में सोच के नहीं, मैं नई पीढ़ी के बारे में सोचता हूँ, इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इनका क्या होगा सही में, इनको ये जो पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें लड़ाई में इन लोग कितनी साथ दे पाएगा। अगर सरकार अगर जिस तरीके से ताकत लगा के कितने भी बात कर रहा, वंदे भारत एक्सप्रेस ला रहा, भले सरकार कहता है कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को यूनियन के अंदर चिंता होगा, आप समझने की अगर आप कोशिश होगा तो आपको समझ में आएगा कि वंदे भारत क्या है, वंदे भारत कौन बना रहा है। पूरे हमारे भारत रेल की कर्मचारी का जिसकी इनोवेशन है, जो ICF के लोग, जो चेन्नई के लोगों ने इसको बनाने के काम किए थे, लेकिन अभी आने वाले दिनों में इनको जो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना है, ये पूरे के पूरे वंदे भारत एक्सप्रेस ICF बनाएंगे क्या? और ICF नहीं बनाएगा तो ये कौन से कंपनी से बनवाया जाएगा? और ICF में बनाएगा तो उसकी खर्चा कितना है? अगर इसको बाहर से बनवाएगा तो उसकी खर्चा कितना है? अगर बाहर से बनवाएगा तो उसकी उसके साथ में एग्रीमेंट क्या है? ये बड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग सब वो कुएं के मेंढक जैसे अपने ही बारे में सोचता है, मैं मेरा जो जगह में काम कर रहा हूँ मेरा क्या है, कुछ भी होगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम होने, ऐसा ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा जो लेटेस्ट जो लोकोमोटिव जो 10,000 horsepower की जो लोकोमोटिव आया, महादेवपुर करके एक जगह बिहार के अंदर, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा एक वर्कशॉप बनाया, वो तो प्राइवेट है वर्कशॉप, भारत रेल का नहीं है। जो लोकोमोटिव 800 लोकोमोटिव बनाना है, उसका एक वर्कशॉप अजनी के अंदर बना है, उसके अंदर मैं खुद जाके देखा, पता नहीं आप लोगों ने कोई देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन अजनी के अंदर जो वर्कशॉप बनाया तो उसके अंदर जो 100 लोकोमोटिव बनेगा, वो लोकोमोटिव के साथ में वो वर्कशॉप रेलवे को हैंड ओवर करने वाला है। लेकिन महादेवपुरा का जो वर्कशॉप है ये रेल को हैंड ओवर नहीं करेगा, उसके अंदर उनका जो टेंडरिंग प्रोसेस में है ये लिखा हुआ है कि वो जो वर्कशॉप के अंदर जितने भी लोकोमोटिव बना उसका 13 या 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही लोग करेंगे। आप इस बात को समझिएगा, अगर 800 लोकोमोटिव इस तरीके से अलग अलग जगह पे अगर बन के मरम्मत भी वही लोग अगर 13-15 साल को करेगा तो भुसावल की जो लोकोसेट कोई काम का नहीं रहेगा, TMW जो नासिक का है उसको फिर ट्रैक्शन मोटर वाइंडिंग का कोई सवाल नहीं आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्कशॉप है, बहुत सारे हमारे जो लोकोसेट है उधर कोई काम नहीं रहेगा। वैसा वंदे भारत का भी इसी तरीके का बाहर से लाने वाला अगर एग्रीमेंट है तो वही हालत होने वाला है। तो इसलिए हमको यूनियन की ताकत को इसलिए मजबूत करना है, तो कम से कम आज जितने लोग कम से कम भारत रेल के अंदर है, कम से कम इतने लोग तो भारत रेल के अंदर रहेगा। और मैं अब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम मुझे आज भी याद है जब 150 साल जब रेल का हुआ तो उस समय एक वाइट पेपर बना, तो उसके अंदर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे उस समय, जो CSTM से लेके गाड़ी उन्होंने चलाया था, क्योंकि पहले भी गाड़ी जो मुंबई VT कहा हुआ करता था उस टाइम में, विक्टोरिया टर्मिनस, वहां से लेके थाना तक चलाने का काम किया था। तो उसी तरीके के 150 साल की जब कंप्लीट हुआ तो उस समय भी एक गाड़ी चलाया था CSTM से लेकर थाना तक, उस समय उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला था 2002-2003 में, उसके अंदर क्या लिखा था, आगे आने वाली 10 साल के अंदर जो भारत रेल की कर्मचारी है उस दिन करीब 15 लाख कर्मचारी हुआ करता था, ये आने वाली 10 साल के अंदर इसको 10 लाख कर्म करना, मतलब 6 लाख कर्मचारियों में लाना है। लेकिन 2003 आज 2023 है, करीब 20 साल होने के बाद में भी आज हम 12 लाख कर्मचारी आपकी लाल झंडे की ताकत है, मैं आपको कहता हूँ, नहीं तो कभी का कभी खत्म कर देता। इसलिए मैं कहता हूँ यूनियन की ताकत को लगाने बरकरार रखने की जरूरत है, ये आप इस बात को समझिए, अगर ताकत नहीं रहेगा तो कुछ चलने वाला नहीं है। मैं आपको कहता हूँ भाषण करने वाला ये समय नहीं है, और मैं भी सोचता हूँ कि भाषण बहुत सारे लोगों ने आपने सुन लिए, अब मैं रखने के बाद में भी अभी किसी को कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कल एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ बिलासपुर के अंदर, क्योंकि रनिंग शॉप के अधिवेशन चल रहा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं आज सुबह कम से कम 25 अखबार में पढ़ा आज सुबह, जान मुझ के मैं ऐसे टाइम में सब अखबार खरीदता हूँ, इसी मैं तो 2-3 तो पढ़ता हूँ। मैं कल रात भर भी घर में भी बैठ के बहुत सारे न्यूज़ चैनल मराठी अलग अलग चैनल में देखने का काम किया, मुझे किसी भी चैनल के अंदर उस न्यूज़ को कोई ज़्यादा प्राधान्य देते हुए मैं देखे नहीं। अगर आप लोग किसी ने देखा होगा तो हमको बताइएगा। हमारा एक रनिंग शॉप के एक इंसान का जान भी चले गए, 4-5 लोग इंजर्ड भी हुए, रेल की कर्मचारी,
क्योंकि मालगाड़ी मालगाड़ी से टकरा है तो रेल के कर्मचारी जाने वाला है, क्योंकि उसमें अंदर कोई यात्री जाने वाला नहीं है। आज भी मैं सुबह सारे अखबार पूरा का पूरा हर पन्ना ढूंढ के पढ़ा, लेकिन बहुत सारे अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में मैं देखा चौथा पन्ना में एक छोटा कॉलम में एक लिखा हुआ है, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखा कि केवल एक फोटो दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे मराठी हिंदी पेपर में मैंने देखा अंदर कहीं छोटा फोटो दिया नहीं तो छोटा सा एक न्यूज़ दिया, क्योंकि उन लोगों के लिए उनके न्यूज़ नहीं है। लेकिन वही चीज़ आप देखा देखने का कभी कोई हमारा कोई पैसेंजर ट्रेन आ गए या कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन आ गए, किसी यात्री को कोई क्रच हुआ, कोई गाड़ी ब्रेक करने में कोई गड़बड़ हुआ या किसी कारण से कोई भी गड़बड़ हुआ तो गाड़ी की कैजुअलिटी हो गया या किसी का गिरने का काम इंसिडेंट होने का काम हुआ, पूरी देश भर के अंदर न्यूज़ चैनल में वो चलेगा, ये हुआ भारत रेल का क्या है देखो गाड़ी का ये दुर्घटना हुआ, ये गिर गया उसकी हाथ टूट गए हैं, है ना, इसकी जान गई, दुनिया भर का जान तो रेल की कर्मचारी हो यात्री हो सब जान है, उसके लिए हमें दुख है। लेकिन ये क्या मामला हमें नहीं समझ में आया, जो रेल की कर्मचारी के जान गया तो किसी को कोई चिंता है ही नहीं, ना सरकार को चिंता ना अखबार वाले को चिंता, किसी को चिंता कहीं देखा नहीं, मैं बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ रहा हूँ। और वो गाड़ी का ब्रेक पावर पोर है, जब अभी हम लोगों ने कंट्रोल ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके हम लोगों ने रिपोर्ट बना के भेजा कि बिल्कुल ही ब्रेक पावर पोर है, या ना जो जो लोको रनिंग की स्टाफ जो गाड़ी चला रहा था वो 14 घंटा काम करने के बाद भी लगातार काम करा रहा है। अरे भाई इंसान है, रात को ड्यूटी करेगा दिन को ड्यूटी करेगा, 14 घंटा करके जब जाएगा तो ये स्वाभाविक है, ये ना तो उसको नींद आ सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये प्रशासन के भी काम है भाई। 9 घंटे के ऊपर जब रेल बोर्ड ने नियम बना के रखा, पहले 10 घंटे का रूल था अभी 9 घंटे का रूल है, तो प्रशासन की ये जवाबदारी है 9 घंटे के ऊपर किसी भी रनिंग हिसाब से चाहे लोको पायलट हो चाहे ट्रेन मैनेजर हो चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो 9 घंटे के ऊपर काम न कराया जाए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन जबरदस्ती काम कराएगा गिरने के बाद इस तरीके, अभी वो लोको पायलट बेचारे का जान गया इसलिए कोई प्रशासन को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, नहीं तो तुरंत बोलता था कि इनका ब्रेकिंग का गड़बड़ होगा, ये सही ढंग से ब्रेकिंग नहीं किए, सही ढंग से जजमेंट नहीं किया, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन वो बात इसलिए नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि भारत रेल का रनिंग स्टाफ गुस्से में आ जाएगा इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बताया नहीं है। बड़े दुख की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा और ताकत बढ़ाने की जरूरत है, और हम आपकी जवाबदारी जो भी काम करने वाला केवल रनिंग स्टाफ के नहीं, मैं सारे कर्मचारियों को कहता हूँ, जैसे लासलगांव का आप लोगों ने देखा भी, अगर जान को खतरा तो काम मत करिएगा, अपने पास ताकतवर यूनियन है आपको साथ देने के लिए, आपका जान बड़ा प्यारा है उसको बचा कर रखिएगा, आपके घर के लिए आपके जाने पहचाने आपके सारे लोगों के लिए, जान नहीं है तो फिर किस बात के लिए, तो जान बचाना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है इसमें जान को खतरा है तो काम मत करिएगा, कोई माइकल कुछ नहीं कर सकता, आपका यूनियन ताकतवर आपके साथ है। पहले आपको पता कि किसी की भी कोई आईओडी होता तो मैं कहता हूँ आईओडी भी नहीं होना चाहिए, भुसावल अस्पताल के अंदर जो एम्बुलेंस है ये एनआरएम ने हमने अपने पैसे दिए हुए एम्बुलेंस है, वो यादव जी उस समय डीआरएम था उस टाइम में हम लोगों ने एम्बुलेंस दिए, लोग भूल जाता है शायद, पता नहीं एम्बुलेंस के अंदर एनआरएम में लिखा है कि लिखा मुझे नहीं पता, ये हम लोगों ने दिए उस टाइम में यादव जी जो डीआरएम बैठे थे, तो बहुत सारे लोग शायद वो पंजरत्न था उस टाइम में सीएमएस में काम कर रहा था, सारे लोग बैठे थे, हम लोगों ने बोला ये एम्बुलेंस हम इसलिए दे रहा है, बहुत सारे लोग सोचता होगा कि कोई बीमार हो जाए कोई सीरियस हो जाए उसको ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है तो ले जाएगा एडवर्टाइजमेंट होगा उसके लिए हम लोग नहीं देता, हम लोग इतनी पैसा इतनी लाखों रुपया खर्चे करके भी एम्बुलेंस इसलिए दे रहा है, ये देते वक्त हम लोगों का एक सोच है सर्वधर्म स्वभाव, जितनी भी शक्ति से हमारा प्रार्थना है ये गाड़ी खड़ा होकर सड़ गया तो चलेगा, लेकिन उनसे प्रार्थना कि इसमें किसी को ले जाने की नौबत ना आ जाए, ये हमारी सोच है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, हम लोगों को बहुत सारे लोग बोलते कि आईओडी के लिए हमको मेमो नहीं मिलता, फिर हमको आईओडी मिलता नहीं, ये इस तरीके का आईओडी क्यों होना चाहिए, हम लोग तो घर से निकलते नौकरी करने के लिए आईओडी होने के लिए क्या, हाँ हमारा ऐसे भी कुछ कर्मचारी कुत्ता काटने के बाद में भी आईओडी का मेमो लिया, बात अलग है हमने दिलवाया वो बात अलग है, लेकिन हम लोग आईओडी इंजर्ड होने के लिए घर से नहीं निकलता है, सही सलामत अपने आप को संभालते हुए काम करके वापस घर जाना है, उसी तरीके से हमको निकलना चाहिए, तो हम लोग कोई आईओडी इस तरीके से मामला नहीं हमारे बीच में होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी मैंने बहुत बार देखा, एक बार दुरंधो से जा रहा था नागपुर की तरफ या ना सेकेंड एसी में, तो बहुत बार गाड़ी कहीं खड़ा हो जाता है तो जो यात्री है वो तुरंत जो कर्मचारी रेल के लोगों के ऊपर गलत बात करता है हमेशा, मैंने कभी देखा नहीं, जो रेल कर्मचारी का तारीफ करने वाला यात्रियों को बहुत कम देखा, शायद आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो बहुत कम लोग मिले। और मैंने ये भी देखा बहुत सारे हमारे रेल की जो यूनियन के जो मेंबर लोग भी है जिसके पास कार्ड है जिसके पास टैग है, बहुत सारे लोग मुझे देख के पहनता, वो बात अलग है, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि आज महामंत्री आने वाला है इसलिए घर से ढूंढ ढांड के निकालता है
तो उसके खीचे में जो कार्ड है वो भी देख के समझ में आता है, उल्टा पलटा रहता है, कहीं तो दबा के रखा था, ढेर निकाल के मुझे दिखाने के लिए डाल गया है, देख के समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग दिल से पहनता भी है, दिल से डालता भी है, लेकिन वो जब गाड़ी में कहीं जाएगा तो बहुत सारे लोग घूर के देखता, भाई फुकट वाले आ गए, इसको कोई पैसा खर्चा करके नहीं आया, पैसा लगता कि उनके चाचा जी की गाड़ी है, मतलब हम फ्री में जा रहा है, तो गुस्से में देखता बहुत सारे लोग उसको निकाल देता, पीछे की खीचे में डालता, बहुत सारे लोग सोचते कि काय को पंगा लेगा, गुस्से से देख रहा, उससे अच्छा अपने कार्ड रेलवे के आइटम सब निकाल दो, तुम्हारे जैसे हम भी टिकट खरीद के आए हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हमारे लोग। मैंने उस दिन दुरंतो में जा रहा था तो गाड़ी खड़ा हो गया सही सलामत, हम कभी भी देखो जो नागपुर के अंदर एंट्री करने के लिए, मुझे लगता है वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म में लेता, तो पूरा क्रॉस करके जिग-जैग क्रॉस करके लेना पड़ता, तो कभी भी उनका होम सिग्नल में गाड़ी खड़ा होता है, तो गाड़ी खड़ा हुआ तो जो सामने बैठा हुआ था तो तुरंत उसने बोला ये पागल लोग कोई काम करते नहीं, इसको कोई ये मतलब उनके मुंह से ऐसे ही शब्द निकल गया, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं लेकिन मैं इतना उसके ऊपर चढ़ गया, मैं इतना बोल दिया, पूछा मैंने साला तुम सो के आए इधर तक, चादर के नीचे थे साला, सही सलामत लाके तेरे घर के बाजू में खड़ा किया, तो बोलते ये लोग काम नहीं करता है। मैं बोला अगर तुम्हारे सही में दिल में अगर काम नहीं करता है, ये लोग पागल है, अगर सोचा होता तो CSTM से साला तुम सोता नहीं था, तुम नारियल लेके हाथ में पकड़ के खिड़की में बैठता था गाड़ी बराबर जा रहा कि नहीं जा रहा देखने के लिए, ये ना बराबर गाड़ी आया तुमने बराबर कटारा करके कराटे करके सो के आया और 10 मिनट गाड़ी खड़ा हो गया, तुम ये नहीं सोच रहे कि गाड़ी क्यों खड़ा हुआ, सिग्नल है कि नहीं, पटरी की कोई मरम्मत की कोई गड़बड़ है या ओएची की कोई प्रॉब्लम है, कोई रनओवर तो नहीं हुआ, ये नहीं सोच रहे कि तुरंत तुम कह रहा कि 10 मिनट खड़ा हो गया, इनका ये आदत है ये पागल लोग है, ये सुनाने की कैपेसिटी हमको होना चाहिए, सुन के नहीं जाना, ये ना रेल किसी की बाप की नहीं है, है तो अपनी बाप की है, ये सोच के हम लोग चलना चाहिए, क्योंकि दिन रात इसका मतलब आप किसी को भी गाँव वाले को 25 लोगों को फोकट में मत लेके जाना, नहीं तो बोलेगा गवर्नमेंट ने बोला कि गाड़ी अपनी बाप की, तो अपन सबको लेके चलता है, फिर टिकट चेक स्टाफ से लड़ाई हो जाएगी, फिर उनको बोलेगा कि साला वो गवर्नमेंट ने नहीं बोला था आप लोग क्यों जाने नहीं देता है, ऐसा भी मत करो, तो कभी कभी अपन सोच के चलना चाहिए, जिसके अधिकार है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर सही ढंग से कभी मैं टिकट चेकिंग की बात इसलिए किया, कभी कभी हमारा भाई लोगों ने टिकट चेकिंग से लड़ाई कर ली है ना, तो लड़ाई अच्छी लक्षण नहीं है, मैं बोलता हूँ कोई किसी से लड़ाई मत करिएगा, देखो हर आदमी हम जो सोचते हैं उस प्रकार के स्वभाव के नहीं होगा, कोई जैसे हमारे बीच में भी कोई गर्म दिमाग की होगा, सामने वाला डिपार्टमेंट की भी कोई गर्म दिमाग की होगा, एक तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ी में बैठेगा, अब उसके बाद में वो आएगा तो उनको हम लोग कानून कहते सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आज तक किसी भी गाड़ियों में मैं कहीं भी चढ़ता हूँ मैं पहले टिकट चेकिंग स्टाफ है क्या देखता हूँ, मुझे कोई खराब नहीं लगता, मैं उनसे बोलता हूँ पूछता हूँ उसके बाद मैं बैठता हूँ। अगर कभी कभी होता है कोई टिकट चेकिंग स्टाफ नहीं मिलता तो मैं गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आ गया पहले मैं उनको सॉरी बोलता हूँ, भाई आप मिले नहीं था मैं पहले बैठ गया था, उसमें मैं छोटा नहीं बनता, वो सामने वाला इंसान NRMI का नहीं है तो दूसरे दिन से NRMI का पावती लेगा, मैं आपको कहता हूँ ये अपना सोच होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्यों लोग वो आके पूछेगा कौन है तो बोले तुम पहचानते नहीं क्या हमको, अरे तू कौन है तेरा क्या इधर लिखा है क्या कौन है, एटीट्यूड लोगों का, ये एटीट्यूड अपने लिए अच्छा नहीं है, कोई किसी को पहचानने के लिए काम चाहिए, पहचान कैसे चाहिए, पद से नहीं, मैं महामंत्री हूँ मैं फलाना हूँ धमाका हूँ, वो पहचान कोई काम का नहीं है, पहचान काम से चाहिए, व्यवहार से चाहिए, एक दूसरे से, है ना। बहुत सारे लोगों ने एक बार CDPO के पास गया तो CDPO के पास कुछ दूसरे मंडली मोर्चे लेके बैठा था, तो बाहर खड़ा था, मैं पहले से बैठा था तो बोला फलाना लोग आया, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि किसी का मुझे बुराई नहीं करना, मेरा काम नहीं है, तो CDPO जबरदस्ती बोला अभी की बात नहीं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने बोला कि वो बाहर के लोग आप बैठे रहो इधर, नहीं तो वो लोग आएगा मुझे परेशान करेगा, तो मैं बैठा एक घंटा, एक चाय पिलाया दो चाय पिलाया, ये लोग सब बाहर खड़े क्योंकि बाहर प्यून ने बोला कि वो बेणुनार बैठा इसलिए आपको अभी बुलाएगा नहीं, वो जाने के बाद बुलाएगा, CDPO जानबूझ के मुझे छोड़ नहीं रहा क्योंकि उनको उन लोगों को अंदर लेना नहीं है। अरे मतलब डेढ़ घंटा हो गया तुम्हारा 3 चाय, अरे भाई मैं जाना तो पुकट में मेरे भाई को बिठा के रखा है यार इधर, नहीं नहीं रोज आएगा तो लोग आएगा, तो मैं बोला बुला लो ना मैं बैठता ना आप उनको बुला लो, तो उनको बुलाया, उनको बुला सब आ गया, तो मैं जानता हूँ उसके एक दो लोगों का काम भी मैं करके दिया, उनका इश्यू सुन के मुझे बड़ा हंसी आया, तो उन्होंने बोला उसमें से एक है तो कोई नेशनल अवार्ड वगैरह लिया उनका कुछ लीडर है, तो बोलता कि साहब देखो ना उस दिन आया तो इसका ऊपर क्या तमाशा हुआ तो आपको आदेश देना पड़ेगा क्या, तो बोला कि हम आपके मिलके गए थे उनकी जो CDPO का प्यून था जो बाहर, उन्होंने उसको सलाम नहीं किए, नहीं समझा, तो बोला ये चलने वाला नहीं है, तो CDPO बोला यार तुम मेरे पास आया तुमको मैं बिठाया था चाय पिलाया था सब कुछ दिया था, अभी तुम इधर से निकलेगा तो बाहर प्यून से लेके जितने भी स्टाफ होगा तो उसको मैं थोड़ी आदेश दूंगा तुमको सलाम करो,
देखा सलाम बोलने से नहीं मिलता, बोलने से भी सलाम करता होगा तो दिल में और कुछ सोच के सलाम करता होगा, साला का ये सलाम दिल से होना चाहिए। प्यार कोई किसी ने कोई जबरदस्ती करने से बोलेगा कि तुम एक काम करो उसको प्यार करो, ऐसा होता क्या? नहीं, ये सब दिल से आता है। तो ऐसे भी सोच रखने वाला है तो क्या करेगा। अभी भुसावल के अंदर 13 नवंबर 2013 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर एक 23 मिनट का एक भाषण है। मैं क्योंकि मेरा जो समस्या था जिस तरीके से मैं जनरल सेक्रेटरी बाय डिफॉल्ट बनना पड़ा, हमको जो खड़ा होना पड़ा, जो इलेक्शन का सामना करना पड़ा, तो उसका रीजन वो 23 मिनट में मैं बोलने के लिए कोशिश किया। मैं उस समय भाषण नहीं करने वाला था, जबरदस्ती बुलाया तो 4 बार 5 बार बुलाने के बाद मैं स्टेज पे आया तो मैंने बात किया। वो है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकता है उस 23 मिनट के अंदर आज जो चल रहा है यूनियन के अंदर या पहले जो चल रहा था सारे चीज के बारे में मैंने बोला। कोई लिख के नहीं लाया, दिल में आया जो देखा वो मैंने बोला। ये हम लोगों को सबको हमारे लिए सबके लिए लागू है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर सही सलामत अगर आपको खुशी के साथ में रहना है तो यूनियन को ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। 10 बजने जा रहा है, मैं आपको बोर नहीं कराऊंगा क्योंकि अच्छे खासा आप लोगों ने देखे भी है। और जो एजीएम है ये एक क्या कहते हैं कि उत्सव के माहौल में बनाने वाला एक आइटम है। साल भर काम किए एक साथ में हमारे सदस्यों को आके मिलना है और भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर किए हुए काम आपके सामने रखता है। भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर में आपने दिए हुए पैसे की हिसाब आपके सामने रखता है। भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर किए हुए काम और जो मिले हुए पैसे की हिसाब रखने के बाद सबके बीच में आपको पूछने का अधिकार देने वाला कोई यूनियन है तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है। इसके अलावा कोई यूनियन है ही नहीं। तो ऐसे तो ऐसा मुझे अभी लगता है इंग्लिश आपको ये खंबायत ने मैसेज भेजा लगता है। जिस दिन हम लोग कमजोर होगा तो कहता कि वो कहेगा कि ट्रेन मैनेजर की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं इस लाल झंडे की यूनियन जब तक जिंदा रहेगा तब तक ट्रेन मैनेजर रहेगा, ये भी मैं आपको कहता हूं। लेकिन इसको जिंदा रखने की जवाबदारी हम आपकी है। अगर हमारी थोड़ा सा अगर हमारी ताकत कम होगा तो जो लोको पायलट के साथ में जो एएलपी है उसको निकाल देगा। हम लोगों ने बहुत लड़ाई करने के बाद 120 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से चलने वाला जो गाड़ी उस समय कहलाया जाता था राजधानी या शताब्दी, ये सारे गाड़ियों में हम लोगों ने को ड्राइवर प्रोवाइड कराया था लड़ाई करके। लेकिन आज को ड्राइवर बहुत सारे रेलवे से निकाल दिए रेलवे बोर्ड के आदेश से, अभी सीनियर एलपी को लगाया जा रहा है अभी, क्योंकि उनका कहना है कि 120 की जगह में 160 का गाड़ी आ गया। तो ये सब चीज़ बरकरार रखना तो ताकत बना के रखना पड़ेगा। हमारे बीच में से मुझे लगता है कोई ना तो कोई होगा जो लार्जेसी में जो वीआरएस रिटायरमेंट लेके अपना माता पिता जो रेल के अंदर लोको पायलट में काम कर रहा था वो रिटायरमेंट लिए और उनके बच्चे एलपी में, ऐसा कोई तो हो सकता है। कोई है कि नहीं जो वीआरएस लेके जो लार्जेसी में जो रेल के अंदर एलपी में, ऐसा कोई है कि इसमें एक भी नहीं है? कोई खंबायत कोई दिख रहा क्या? एक भी नहीं, एक आदमी दिख रहा पीछे? नहीं 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 वो बात नहीं। हमारा भुसावल डिवीजन में कितने लोग ऐसा हुआ होगा कंबाइन? जो लार्जेसी में जो पिताजी के जगह पे जो लोको पायलट था जो 57 साल के अंदर था वो रिटायरमेंट लेके अपने बच्चे एलपी में, ऐसा कितना लोग भुसावल डिवीजन में हो सकता है? 13 लोग है तो 13 में से एक भी आदमी इसमें नहीं है। इससे ज्यादा क्या हो सकता बताओ? जो काम है मैं इसलिए बोला ये कोई सरकार ने नहीं दिए ना, कोई केंद्र सरकार ने, कोई रेल मंत्री जी ने, किसी ने नहीं दिए। ये लाल झंडे की यूनियन 2003 में लड़ाई करके आप लोगों को दिलवाया, वो केवल शुरू हुआ लोको पायलट और ट्रैकमैन से। लेकिन हमारा शिवपाल मिश्रा जी आज के आदरणीय महामंत्री जो एआरएफ के बनने के बाद 2008 में, उन्होंने लगातार प्रयास करके करीब 16